Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and welcome to Reality Rights. JIF ke sarbara Moulana Fazal Rehman, jisne aaj kal Islamabad mein Imran hukumat khilaf dharna diya rakha hai. Inko aksar aukaat inke siyasi mukhalifin Moulana Diesel kehte hue suna hi hoga aapne. Aur yakeenan aapke dimag mein bhi yeh sawal to aaya hoga ki sabse pehle inko Moulana Diesel ke naam se kisne pukara. और इसकी वजूहात क्या थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस नाम की कहानी सुनाएंगे, लेकिन इससे कबल आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल रियलिटी राइट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्यूअर्स, आमतौर पर यह बात मशहूर है कि डीजल अफगानिस्तान भेजने के लिए परमिट हासिल करने पर उन्हें मौलाना डीजल कहा गया, लेकिन मामला इसके बरक्स है। खुदा की कुदरत देखें कि जो शख्स आज मौलाना फजल रहमान का इतिहादी बना हुआ है और उसके साथ कंटेनर पर मौजूद है और इमरान हुकूमत खिलाफ तहरीक में साथ दे रहा है, यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कहा। हम बात कर रहे हैं नून लीग के सबसे सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की, जिसने सबसे पहले मौलाना फजल रहमान को असेंबली फोर पर मौलाना डीजल के नाम से पुकारा। यह 90 की दहाई की बात है कि जब पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे पाकिस्तान के शेर टांग और डेरा इस्माइल खान के दरमियानी इलाके की निगरानी के लिए नफरी कम होने की सूरत में मुकामी लोगों की खिदमत हासिल करते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कुछ गाड़ियाँ और डीजल का कोटा फराहम किया था ताकि इनके लोग गश्त कर सकें। इलाका ज्यादा और सहूलियात कम होने की वजह से मौलाना फजल रहमान ने एक दिन मुतल्लिका ऑफिसर को कॉल की और डीजल का कोटा और गाड़ियाँ बढ़ाने की सिफारिश की, जो कि मान लिया गया और उन्हें इस बात की यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी इस वक्त मुतल्लिका ऑफिसर के पास ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, जिसने बाद में फ़ोन कॉल के बारे में दरियाफ्त किया। ख्वाजा आसिफ ने मुतल्लिका ऑफिसर से दरियाफ्त किया और इसके बाद असेंबली फ्लोर पर अपने रिवायती धुआंधार अंदाज में तकरीर की तो जज्बात में इस वाक्य की मुनासिबत से मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कहकर मुखातिब किया, जो वक्त गुजारने के साथ साथ मशहूर होता चला गया। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।